नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का विषय है कोलाइटिस और कोलाइटिस के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान। डाइट प्लान का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ वीडियोस में और फोटोज आपको दिखाना चाहूँगा, उनको देखें जिसके अंदर कोलाइटिस के पेशेंट्स की बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन इसमें दिखाई गई है। ये जो डाइट प्लान मैं आपके साथ में आज डिस्कस करने वाला हूँ, ये ऑलरेडी इन लोगों के ऊपर ट्राई किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल इस डाइट प्लान से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसके लिए कुछ और स्टेप्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसी क्रम के अन्य वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे अन्य पॉइंट्स के ऊपर, जैसे और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन खाना जो है वो कोलाइटिस के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक पेशेंट का रिव्यू है वो आपको सुनना चाहिए, उसके बाद हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम करमजीत है। मैं पिछले 10 साल से कोलाइटिस की समस्या से परेशान था। इस वजह से मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे मेरी पढ़ाई बीच में छोड़ के घर पर आना पड़ गया था। कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो चुका था। घर के या बाहर के किसी भी सदस्य से मिलने का मन नहीं करता था। उसके बाद पिछले 3 महीने से मेरा पर्व योग चैनल के आचार्य पर्व से संपर्क हुआ। उन्होंने मुझे प्रॉपर डाइट व प्रॉपर योगा पैकेज बना के दिया, जिसकी वजह से मेरे शरीर का वेट भी गेन हुआ तथा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल फिर से बिल्डअप हुआ। उसके बाद मैं इस समस्या से पूरी तरह उभर चुका हूँ, थैंक्स टू पर्व योग। दोस्तों, कोलाइटिस के अंदर आहार का अहम रोल है। जिस प्रकार का आप आहार खाओगे वैसे ही आपकी पेट की पाचन प्रणाली रिएक्ट करेगी, इसीलिए कोलाइटिस के अंदर विशेष प्रकार का आहार फॉलो करना जरूरी है। कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कोलाइटिस के लिए। पथ्य एंड अपथ्य आहार, आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि सुबह मॉर्निंग में उठने से लेकर रात को सोने तक आपको कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो सुबह उठने से प्रारंभ करते हैं कि किस समय आपको उठना चाहिए और सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, कोलाइटिस के पेशेंट को एक तो अर्ली मॉर्निंग उठ जाए ताकि आपके पास एक पर्याप्त समय रहे सुबह की रूटीन को फॉलो करने के लिए। अब आपको सुबह उठते ही सबसे पहले उषापान करना है। उषापान में आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी लेंगे, उसमें आधा नींबू और 2 चम्मच स्पून उसमें शहद डाल देंगे। इसका इस्तेमाल करें। कुछ लोगों को देखा गया है कि नींबू जो है वो अनुकूल नहीं लगता, पेट में गर्मी पैदा करता है या शरीर के अंदर ठीक से उनको प्रतिक्रिया नहीं करता। ऐसे में उनको नींबू और शहद के इस्तेमाल की जगह पे सादा पानी इस्तेमाल करना है, गुनगुना सादा पानी। उसके बाद अपने नित्यक्रम के लिए जाएं, आप शौच आदि से निवृत्त होकर, टॉयलेट आदि से निवृत्त होकर 30 मिनट बाद आप 6 बजे से एक और प्रयोग करना है, जिसमें आपको रात को 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच आपको जीरा, इन दोनों चीज़ों को रात को 1 गिलास पानी में आप भिगो दोगे और सुबह इसी पानी को छान के आपको पीना है। या फिर इसके स्थान पे आप 1 अनार आप खा सकते हो या 1 अनार का जूस आप पी सकते हो, या फिर 1 कप के इतना आप लौकी जूस पी सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सुबह के टॉनिक के तौर पर काम करेगा। उसके 30 मिनट बाद में आपको लगभग 6:30 बजे 6:30 पे 30 मिनट से 45 मिनट तक योग का अभ्यास करना है। योग बहुत ज़रूरी है कोलाइटिस के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि मैं जब किसी को रिकमेंडेशन देता हूं तो डाइट के साथ योग और होम रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हैं और काम करती हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक, वैसे मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से योग के अभ्यास आपको करने चाहिए, फिर भी इसके लिए इसके सेकेंड पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे योग के अभ्यासों के बारे में कि कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए। तब तक उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा जिसमें ऑलरेडी मैंने योग के अभ्यास बताए हुए हैं। तो 30 से 45 मिनट तक सूक्ष्म योग के अभ्यास करें, कुछ सामान्य ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें और 30 मिनट तक आप टहलने के लिए जाएं, क्योंकि योग के अभ्यास और टहलने के जो अभ्यास होते हैं, घूमने के जो अभ्यास होते हैं, ये आपकी इंटेस्टाइनल मोटेलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। एक प्रकार से साधारण भाषा में समझो तो आपके पेट की पाचन प्रणाली को सुधार लेके आते हैं, आपकी आंतों की कार्य प्रणाली में सुधार लेके आते हैं। दोस्तों, ये तो था आपके खाली पेट का रूटीन। सुबह के वक्त खाली पेट आपको ये चीज़ें, इस रूटीन को फॉलो करना है। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, सुबह के नाश्ते की। तो इसमें आपको 2-3 ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ। पहली चीज़, सुबह के वक्त आपको उबली हुई लौकी, जो सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ, उबली हुई लौकी या फिर एक उबला हुआ सेव 250 ग्राम के लगभग आप ले लें। दोनों चीज़ों को, दोनों में से कोई भी एक चीज़ उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ में आपको कम से कम 1 कटोरी दही का इस्तेमाल करना है और दही ताज़ा होना चाहिए, ये शर्त है। दही अगर बासी है या खट्टा है तो बिल्कुल भी उपयोग ना करें। कुछ लोगों को दही अनुकूल नहीं लगता तो उन लोगों को दही उपयोग नहीं करना है, उसके स्थान पे छाछ भी उपयोग कर सकते हो। तो ये रहा आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, सुबह के वक्त आप खिचड़ी खा सकते हो, मूंग दाल की पतली खिचड़ी, ये भी बहुत डाइजेस्टेबल है और कोलाइटिस के लिए बहुत अच्छी है।
तीसरा ऑप्शन है दलिया। दलिया के अंदर आपको मिक्स दलिया खाना है, केवल अकेला गेहूं का दलिया ना खाएं। इसमें मिक्स दलिया में आपको गेहूं, चना, बाजरा, जौ और मक्का, मक्का अगर आपको अवेलेबल ना हो तो इसके स्थान पे ज्वार आप डाल सकते हो। ज्वार या मक्का दोनों चीज़ों में से एक डाल लें, मक्का के स्थान पे ज्वार ज़्यादा उपयोगी है। तो इन पांचों चीज़ों को मिक्स करके दलिया बनाएं, और दलिया जो है वो पतला होना चाहिए, लिक्विडिटी जिसमें ज़्यादा हो, और इसका आप उपयोग करें। तीनों ऑप्शनों में से कोई भी एक चीज़ आप उपयोग कर सकते हो। ये वो आपका ब्रेकफास्ट। दोस्तों ब्रेकफास्ट के बाद अब बात करते हैं 11 बजे स्नैक्स के रूप में आपको क्या खाना है। कोलाइटिस के पेशेंट्स को एक ही बार में ज़्यादा डाइट खाने की बजाय अपनी डाइट को डिवाइड करना होता है पार्ट्स में। तो दोपहर 11 बजे आपको या तो आप 50 ml अनार का जूस ले सकते हैं, या फिर इसके स्थान पे आप नारियल पानी पी सकते हैं, या फिर छाछ। छाछ उन्हीं लोगों को पीनी है जिनको अनुकूल लगे, जिन लोगों को छाछ प्रॉब्लम करती है उनको छाछ के स्थान पे आप दूसरी चीज़ें दे सकते हो, जैसे अनार का जूस दे सकते हो या फिर नारियल पानी दे सकते हो। या फिर इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी ना हो तो आप हर्बल चाय पी सकते हो। हर्बल चाय में आपको क्या क्या करना है, जीरा, धनिया और सौंफ, इन तीनों चीज़ों को एक एक चम्मच लेके 2 कप पानी के अंदर उबालें, और जब 1 कप पानी रह जाए तो इसका आप उपयोग करें। ये हर्बल चाय होगी कोलाइटिस के पेशेंट्स के लिए, तो इसका उपयोग भी आप कर सकते हो। 11 बजे का आपका रूटीन ये रहेगा, इन चार चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप उपयोग करें। दोस्तों अब बात करते हैं लंच की। लंच के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी है, तो लंच के अंदर सबसे पहले तो आपको चपाती की बात करते हैं। गेहूं की चपाती आपको इस्तेमाल करनी है, लेकिन गेहूं की चपाती किस प्रकार से बनानी है वो ज़रूरी है। देखिए गेहूं का मोटा आटा आपको इसमें इस्तेमाल करना है। आटे को गूंद के 5 से 10 मिनट पानी में बॉयल करके फिर उसकी रोटी आपको बनानी है। अब ये पेचीदा लग रहा होगा थोड़ा कि आटा किस प्रकार से बॉईल करना है। आपने कभी जो कढ़ी के अंदर जो गट्टे डाले जाते हैं, उनको बेसन का जो गट्टे बनते हैं, उनको पानी में जिस प्रकार से बॉईल करके फिर बनाया जाता है, उसी प्रकार से आपको आटे को 5 से 10 मिनट पानी में बॉईल करना है, जिससे ये डाइजेस्टेबल हो जाता है और कोलाइटिस के पेशेंट्स को नुकसान नहीं करता। साथ ही इसके अंदर ग्लूटीन की कमी आ जाती है, तो ऐसा आटा आपको इस्तेमाल करना है। ऐसी 2 से 3 चपाती आप खा सकते हो। साथ में सब्जी आप इस्तेमाल करें, या तो लौकी, तोरई, टिंडा, तीनों चीज़ें बेस्ट हैं कोलाइटिस के पेशेंट्स के लिए। पतली सब्जी बनाएं, बहुत अधिक मिर्च मसाला उसमें ऐड ना करें, बहुत अधिक ऑयल ऐड ना करें। ये वो आपका पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में आप 2 से 3 चपाती खा सकते हो, सेम आटा जो मैंने बताया उसकी, साथ में उबली हुई सब्जियाँ ले सकते हो, या फिर पतली दाल, मूंग की पतली दाल आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें पानी की लिक्विडिटी ज़्यादा हो, इसका उपयोग कर सकते हो। साथ में 1 कटोरी के इतना दही खा सकते हो, या फिर छाछ ले सकते हो अगर आपको अनुकूल लगे तो। अगर जिन लोगों को दही या छाछ प्रतिक्रिया करती है, तो वो इसके स्थान पे दही छाछ के स्थान पे आप सोयाबीन से बने हुए दही या छाछ का इस्तेमाल करें, वो भी बहुत उपयोगी माने जाते हैं। साथ में कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम लंच के अंदर चावल खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन चावल जो है वो मांड रहित होने चाहिए, उसमें से पानी निकल जाता है, उसके बाद उन चावलों का इस्तेमाल करें, उससे डाइजेस्टिबल प्रॉपर्टी उनकी बढ़ जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं शाम के स्नैक्स की, जो आपके 5:30 से 6 बजे के अप्रोक्सीमेटली होंगे। और इसके अंदर आपको क्या करना है कि या तो आप मिक्स वेजिटेबल का सूप पी सकते हो, बेस्ट है, या फिर हर्बल चाय पी सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताई है। इसमें 2 प्रकार की हर्बल चाय आप इस्तेमाल कर सकते हो। पहला होगा जिसमें जीरा, धनिया, सौंफ समान मात्रा में 2 कप पानी में उबाल के आप बनाएंगे। दूसरा होगा इसमें जामुन की सूखी हुई गुठली और अनार का सूखा हुआ जो छिलका होता है उसको बॉईल करके आप बना सकते हो। ये दोनों प्रकार की चाय कोलाइटिस के पेशेंट्स के लिए बेस्ट है। या फिर इसके स्थान पे आप गाजर लौकी का जूस पी सकते हो। 1 कप ज़्यादा मात्रा में ना पिए, 1 कप गाजर या लौकी दोनों में से किसी एक चीज़ का इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी तब अगर आपको अनुकूल लगे तो। अगर ये चीज़ आपके शरीर में ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो गाजर लौकी का इस्तेमाल आप ना करें। दोस्तों अब बात करते हैं डिनर की। देखिए कोलाइटिस के पेशेंट्स के लिए डिनर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिनर के अंदर एक तो डिनर लाइट होना चाहिए, पहला नियम है। दूसरा, डिनर के अंदर आपको दूध का उपयोग नहीं करना है। तीसरी चीज़, डिनर जो है वो जितना हो सकता है जल्दी आप कर लें। रात को लेट नाइट अगर डिनर करते हैं तो डाइजेशन फायर स्लो हो जाती है, ऐसे में वो फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। अब खाना क्या है वो समझ लें। रात को पहला ऑप्शन है आपके लिए कि आप सेब खा सकते हो, वो भी उबला हुआ। 300 ग्राम सेब ले लें और इसका इस्तेमाल करें। या फिर नाशपाती खा सकते हो, वो भी बॉयल्ड। 300 ग्राम नाशपाती आप ले लो, इसको आप खा सकते हो। या फिर उबली हुई मूंग की दाल आप ले सकते हो, उसका पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर 1 से 2 पतली चपाती, अगर बहुत अधिक भूख लगती है आपको तो 1 से 2 पतली चपाती, वो भी पतली मूंग की दाल के साथ। या फिर चौथा ऑप्शन है कि आप खिचड़ी खा सकते हो, मिक्स खिचड़ी, वो भी पतली मिक्स खिचड़ी आप इस्तेमाल करें। इन सभी ऑप्शन में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं कोलाइटिस के पेशेंट्स के लिए कुछ डाइट को लेके कुछ नॉर्मल से टिप्स, जो ज़रूरी हैं आपको जानना।
इसमें सबसे पहला नियम है कि फाइबर युक्त आहार, कोलाइटिस के पेशेंट्स को बहुत अधिक फाइबर युक्त आहार नहीं खाना होता, यह उनके डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है। दूसरी चीज, टिंडा, तोरई, चुकंदर, गाजर इत्यादि के जूस के बारे में मैंने आपको बताया, ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें पेप्टिन, विटामिन, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर की सूजन को, कोलाइटिस के पेशेंट्स की जो इंटेस्टाइनल सूजन है उसको कम करने का काम करते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये जूस प्रतिक्रिया ठीक से नहीं करता या अनुकूल नहीं पड़ता, उन लोगों को इस जूस का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे जैसे रोगी का जो कंडीशन है वो सुधरने लगेगी तो उसको धीरे धीरे छिलके वाली दालें, मौसमी फल, अंकुरित अनाज धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देना शुरू करें। एकदम से अगर सारी चीज़ें देंगे तो डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे जैसे आपका डाइजेशन सुधार होगा, आपका एब्जॉर्प्शन ठीक होने लगेगा, खाने का पाचन ठीक से होगा, तो शरीर में फिर से ताकत आने लगेगी और शरीर का वेट इंक्रीज होने लगेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि कोलाइटिस के अंदर बहुत तेज़ी के साथ वेट टूटता है, मन टूट जाता है, डाइजेशन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे जैसे आपकी कंडीशन में सुधार आएगा, आपका डाइजेशन ठीक होगा, वेट इंक्रीज होने लगेगा, बॉडी के अंदर एनर्जी और ताकत फिर से आपको महसूस होगी। कोलाइटिस के कुछ रोगियों को देखा गया है कि उनको दही से प्रॉब्लम होती है, तो उनको नॉर्मल दही या छाछ के स्थान पे आप सोयाबीन से बने हुए दही या छाछ का इस्तेमाल करवाएं, वो उनको अनुकूल पड़ते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का डाइजेशन ज़्यादा वीक होता है, ऐसे में वो उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ऐसे में नॉर्मल दूध से बने हुए छाछ या दही के स्थान पे आप सोयाबीन से बने हुए छाछ या दही का इस्तेमाल आप करेंगे। दोस्तों, कोलाइटिस के पेशेंट्स को अक्सर भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है, भोजन ठीक से अच्छा नहीं लगता, या फिर कुछ विशेष प्रकार के खाने की चीज़ों के प्रति उनकी बॉडी ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करती, या फिर उनको खाने से एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, अपच की समस्या होती है, या फिर खाना खाने के बाद में बेचैनी होने लगती है। ऐसी कंडीशन में अगर आपको किसी भी पेशेंट्स को ऐसी कंडीशन होती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको ठोस चीज़ें तुरंत बंद कर दें। ठोस चीज़ें जैसे कि रोटी खाना बिल्कुल बंद कर दें, उसके स्थान पे आपको उबला हुआ सेब और साथ में वेजिटेबल्स का सूप आपको इस्तेमाल करना है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हर ढाई घंटे के अंतराल पे आपको ये चीज़ें देनी है क्रम से। पहले सेब दे दें, फिर उसके ढाई घंटे के अंतराल पे आपको सूप देना है, फिर उबला हुआ सेब देना है, फिर ढाई घंटे के अंतराल पे आपको फिर से उबला हुआ सेब देना है। तो इसी क्रम से शाम को 6 बजे तक, जब तक पेट का जो लूज मोशन की प्रक्रिया है वो रुक ना जाए, दस्त रुक ना जाए। अगर फिर भी दस्त नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि लूज मोशन की बहुत ज़्यादा कंडीशन कुछ पेशेंट्स को हो जाती है, ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी ठोस चीज़ें उनको नहीं देनी है। उसके स्थान पर एक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको करना है। क्या करना है, उसमें तीन चीज़ें आपको लेनी है। एक तो 3 पके हुए, अच्छे से पके हुए केले, जिनके ऊपर चकते आए रहते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉटेड केले होते हैं, वो 3 पके हुए केले ले लें। साथ में 150 ग्राम के लगभग आपको दही लेना है, ताज़ा दही। साथ में आपको 5 ग्राम के लगभग इसबगोल भूसी लेनी है। इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को हर 3 घंटे के अंतराल पर पेशेंट को देना है। अगर लूज मोशन नहीं रुक रहे हैं तो लगातार इस प्रयोग को 5 से 7 दिन तक लगातार करवाना है, जब तक लूज मोशन ना रुक जाए, कोई भी अन्य आहार ना दें। तो ये कंप्लीट डिटेल थी जिसके अंदर हमने डाइट प्लान के बारे में बात की, लास्ट में टिप्स के बारे में बात की। इस वीडियो के अंदर जितनी डिटेल बताई गई है, ये सारे के सारे डिटेल ऑलरेडी अन्य व्यक्तियों के ऊपर हमने आजमा के देखी है। इस डाइट प्लान को ऑलरेडी हमने अन्य लोगों के ऊपर आजमा के देखा है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कोलाइटिस के पेशेंट को सबसे ज़्यादा अपने हेल्थ के बारे में अगर ध्यान रखना है तो डाइट को लेकर ध्यान रखें, अपने मानसिक संतुलन बनाए रखें, योग प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास जरूर से करें। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कौन कौन से योग के अभ्यास आपको करने चाहिए, प्राणायाम के अभ्यास करने चाहिए, और कौन कौन से अभ्यास किस किस प्रकार से कितने समय तक आपको करने चाहिए, तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले। आज के वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।